नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त संतोष रेणु यादव और खुद को भोजपुरी कलाकार कहने की अब हिम्मत भी नहीं है और इच्छा भी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके का भोजपुरी के कलाकारों तौहीनी की जा रही है, भोजपुरी कलाकारों की माँ बहन को टारगेट किया जा रहा है, तो हिम्मत नहीं होती है कि मैं भोजपुरी कलाकार भी खुद को बोलूं। ये लाइव मैं बहुत शांतिपूर्वक मैं सोच समझ करके मैं बोल रहा हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर लगाते जाइएगा। इसके पहले जो लाइव मैं आया था उसमें सभी कलाकारों की माँ बहन में एक किया, चूँकि मैंने मगहिया जवान के द्वारा कल्लू जी की माता को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, उनकी माता जी के लिए जिस तरह के शब्दों का यूज किया गया, उनके पिताजी के लिए बहुत तकलीफ हुआ। चूँकि गलती कलाकार करता है, इसमें उनकी माता पिता का कहाँ का योगदान होता है। गलत अगर कल्लू जी हैं, पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, प्रमोद जी हैं, रितेश जी हैं, तो फिर आप इन कलाकारों को, या गलती अगर हमारी है तो आप हमें आप बोलिए ना। माता या किसी बहन की या पिता की कोई योगदान नहीं होता है किन्हीं के कलाकारों के गीत संगीत में। जो पवन सिंह जी को, जो खेसारी जी को, जो हमारी या जो कल्लू जी को इच्छा होगी यही गाएंगे, हमारे माता पिता का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो फिर आप किसी कलाकार के माँ बाप को या उनकी बहन को क्यों गाली दोगे। दूसरी चीज़ें, जब आप अश्लीलता का विरोध जब कर रहे हो, जो कि सिर्फ ये दिखावा है, सच्चाई है कि लोग अपने फेसबुक पेज की फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, अश्लीलता का अगर विरोध कर रहे हो तो फिर आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे कानून तो है ना, कानून के पास जाओ, कोर्ट है, कचहरी है, जिन कलाकारों पे आपको केस मुकदमा करना है उस पे केस करो, मुकदमा करो, उसको अरेस्टिंग करवाओ। फेसबुक पे गाली गलौच वाला वीडियो पोस्ट करके आप अश्लीलता नहीं हटा सकते। आपको अगर अश्लीलता हटानी है, अगर आपको चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, अच्छाई ही सिर्फ दिखे, तो उसके लिए आपको अच्छाई को सपोर्ट करना होगा, न कि बुराइयों का विरोध करना होगा। बुराइयों का विरोध करने से बुराई मिट नहीं जाएगी, अच्छाइयों का सपोर्ट करो, बुराई अपने आप नीचे दब जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर मान लो कि आप पवन सिंह या खेसारी लाल या रितेश पांडे या गुंजन सिंह या कल्लू, किसी को भी, किन्हीं के भी माँ बहन को आप गाली देते हो, तो आप अश्लीलता समाप्त नहीं कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो अश्लीलता। अगर आपको अश्लीलता समाप्त करनी है तो फिर बहुत सारे हमारे गांव में मेरे छोटे छोटे भाई हैं जो अच्छे गीत संगीत गा करके करियर बनाना चाहते हैं, आप उन लोगों को प्रमोट करो ना। प्रतिदिन बहुत अच्छे गीत भी गाए जाते हैं और बहुत दुर्थी गीत भी गाए जाते हैं, अश्लील गीत भी गाए जाते हैं, तो आप अच्छे गीतों को प्रमोट करो ना। आप वीडियो ये बनाओ कि देखो फलाना जो है, देखो कितना अच्छा गीत गाया है, फलाना को देखो कितना बढ़िया वीडियो बनाया है, आप इसको प्रमोट करो ना। गंदे गीत को आप लगातार उसको लेकर के वीडियो बना करके आप गंदगी को प्रमोट कर रहे हो, ये अश्लीलता का विरोध करने का सही तरीका नहीं है। अश्लीलता का विरोध करो ना, अच्छी चीज़ों से अश्लीलता का विरोध करो। गलत चीज़ों को उजागर करके आप गलती को आप समाप्त नहीं कर सकते। आप बुरी चीज़ों को मार्केट में उसका प्रचार प्रसार जोर से करके आप उसका खात्मा नहीं कर सकते। अगर गलत चीज़ों का विरोध करते हो, बुरी चीज़ों का आप खात्मा करना चाहते हो, तो फिर अच्छाई को प्रमोट करो, ऑटोमेटिकली वो दब करके मर जाएगा। दूसरी चीज़ें, मुझे आज बहुत गुस्सा आया जब मैंने कल्लू जी के माता पिता को मैंने गाली सुनते देखा, मगहिया जवान के दोनों भाई को मैंने देखा कि कल्लू जी के माता और उनकी भाभी को जिस तरीके से जलील किया, वो मेरा खून खौल गया था। मेरा खून खौला तब जाकर के मैंने सभी कलाकारों की माँ बहन मैंने किया कि तुम क्या कर रहे हो, क्या इसी दिन के लिए तुम कलाकार बने थे कि अपनी माँ बहन को
गाली सुनवाओगे? मैंने पवन भैया को गाली दिया, खेसारी भैया को, प्रमोद भाई को, रितेश भाई, सबको मैंने कहा। और मैं सबसे फिर कह रहा हूँ, जागो, ये भोजपुरी की अस्तित्व खतरे में पड़ी है। कल तक ये दो था ना मगहिया जवान, ये दो लड़का था ना जो भोजपुरी के सारे कलाकारों को गाली गलौज कर रहा था। आज कम से कम 10 ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं इन्हीं दोनों लोगों को देखा देखी कि भोजपुरी के कलाकारों को गाली दो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इन्हीं लोगों के देखा देखी आज कम से कम 10 ऐसे यूट्यूब चैनल बन गए हैं जहाँ पर सिर्फ भोजपुरी कलाकारों को टारगेट किया जाता है, गालियाँ परोसी जाती है। मैंने गोपाल राय जी को, मैंने देवी जी को, मैंने जितने भी लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने उनको भी कहा, आप अपनी ग्रेविटी को मेंटेन करो, सपोर्ट मत करो ऐसे लोगों को, सपोर्ट करके आप भोजपुरी बर्बाद कर रहे हो। चूँकि सच्चाई है कि ये अश्लीलता हटाने के लिए नहीं आया है, ये इंजॉय करता है। आपको पता है, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, ये गलत गानों को प्रमोट करता है, उस पर दारू पी करके इंजॉय करता है, डांस करता है उस पर। ये क्या अश्लीलता का विरोध करेगा दोस्त? मैं उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, विशेष तौर पे जो लोग कहते हैं कि इसके साथ 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 2000 लोग हैं तो फिर क्यों नहीं 2000 लोग जाकर के विधानसभा घेराव करते हैं? फिर क्यों नहीं 2000 लोग जाकर के DGP साहब को लेटर लिखते हैं? अगर 2000 लोग अगर एक साथ विधानसभा का घेराव करें, DGP साहब को लेटर लिखें, मुख्यमंत्री को लेटर लिखें, तो क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार इतनी कमज़ोर है, हमारी प्रशासन इतनी कमज़ोर है जो अश्लीलता पे कार्रवाई नहीं करेंगे? भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा आज काला अध्याय है, बहुत बड़ा काला दिन है, और मजबूरी में योगी आदित्यनाथ जी को ये कदम उठाना पड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी को अंततः मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा कि अब भोजपुरी फिल्मों की सब्सिडी पे विचार किया जाएगा। जो सब्सिडी जो मिलती थी ना, उन सब्सिडी पे अब विचार किया जाएगा। ये भोजपुरी भाषा के लिए आज बहुत बड़ा काला दिन है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी की गलती नहीं है, गलती हम कलाकारों की है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिए कि उत्तर प्रदेश सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा। और ठीक यही इसी एक्शन की ज़रूरत है बिहार सरकार को, बिहार सरकार को भी इसी तरह की कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कहाँ जा रहा है भोजपुरी गीत संगीत? आज जो मैं इन लोगों को मैं कह रहा हूँ, गोपाल राय जी को, बड़े भैया हैं, देवी जी को मैं कह रहा हूँ, आज जो आप उससे जो आप अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, रितेश पांडे जी को मैं बोल रहा हूँ, आप उसके फेवर में बोले, क्या आपको प्रोफेशनल न्यूज़ चैनल आपको नहीं मिला? क्या ये लोग का कहना है कि 2000 हमारे संपर्क में हैं, तो क्या 2000 के अलावे बाकी सब लोग अश्लील सुनते हैं और अश्लील देखते हैं? 33 करोड़ लोग में 2000 लोग को अगर हटा दिया जाए, तो क्या सभी लोग अश्लील ही सुनते हैं और देखते हैं? अश्लीलता का विरोध होना चाहिए, लेकिन उसका रास्ता सही होना चाहिए, इंटेंशन सही होना चाहिए। किसी कलाकार की माँ बहन करके आप अश्लीलता का विरोध नहीं कर सकते। आप गलत चीज़ों को विरोध करते हो ना, आप अगर गलत चीज़ों का विरोध करते हो तो कलाकार रितेश पांडे बहुत अच्छा बोले कि कलाकार सीधा इंसान होता है, इसीलिए ना गाली गलौज कर दिए, बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम लोगों की माताएं और हम लोगों की बहनें किस तकलीफ़ से गुजर रही होंगी। आपको अश्लीलता का विरोध करना है, आप बैठिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ, आप तो बोल रहे हो ना कि आपके पास 2000-4000 लोग हैं, तो जाओ ना आप, जाकर के DGP से आप कार्रवाई कराओ ना। अगर 4000 लोग अगर एक हैं आपके समर्थन में, तो 4000 एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, जाकर के DGP साहब से कार्रवाई करवाओ, मुख्यमंत्री साहब से कार्रवाई करवाओ। क्या मुख्यमंत्री और DGP पे आप पे भरोसा नहीं है? ऐसे ही करते करते एक बिहार का बेटा सुशांत सिंह राजपूत, जिनको मार दिया गया बॉलीवुड में, नेपोटिज्म का शिकार हुए, उस समय ये लोग कहाँ चले गए थे? उस समय ये दोनों जो समर और गौतम है, ये कहाँ चला गया था उस समय, जिस समय सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई थी? उस समय भी मैं अनशन पे बैठा था, मैं भूखा मैं अनशन पे बैठा था। क्या सुशांत सिंह राजपूत को मैं राजपूत समझ करके बैठा था अनशन पे?
क्या मैं खुद को यादव समझ करके अनशन में बैठा था? नहीं, वो बिहार का बेटा था और उम्मीद थी कि वो बॉलीवुड में है तो कहीं ना कहीं आदमी जब घर का आदमी आगे बढ़ता है तो अगर एक बार भी अगर घर की तरफ देख लिया तो उस घर का कायाकल्प हो जाता है। और इसी उम्मीद से हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े सुपरस्टार बने, सलमान खान शाहरुख खान की तरह, आमिर खान की तरह, अक्षय कुमार की तरह बड़े सुपरस्टार बने, और अगर एक बार अगर भोजपुरी की तरफ देख लिए तो शायद भोजपुरी का कायाकल्प हो जाएगा। उनको मार दिया गया, कहाँ गए थे ये लोग? क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत के प्रति वफादारी से ये लोग आवाज़ उठाए? अगर सुशांत सिंह राजपूत के प्रति अगर वफादारी से आवाज़ उठाए हुए होते तो आज सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है, जितना ढीला तरीके से देखा जा रहा है, चल रहा है, उतना ढीला तरीके से नहीं देखा जाता। लेकिन इन लोगों को करना क्या है, इनकी कैपेसिटी तो है नहीं उतनी कि वहाँ तक बोलेंगे, चूँकि इनको पता है कि वहाँ बोलेंगे तो यहाँ वहाँ पर इनके सब अब्बा लोग बैठे हुए हैं, तो जैसे ही वहाँ पर बोलेंगे तो इनकी हेकड़ी निकाल दी जाएगी तुरंत। तो वहाँ तो बोलेंगे नहीं, तो ये किसको गाली देंगे? ये देंगे पवन सिंह को गाली, खेसारी लाल को गाली देंगे, रितेश पांडे को देंगे, कल्लू को देंगे गाली, गुंजन सिंह को, प्रमोद प्रेमी को, संतोष रेणु को, तूफानी लाल को, यही लोगों को गाली देंगे ना, इंदु सोनाली को देंगे, कल्पना जी को देंगे गाली, इन्हीं लोगों को गाली देंगे।